Today we will start with the reproductive system in fungi and algae. Here also the mode of reproduction is asexual, and the structure that helps in asexual reproduction are in zoospores, which are microscopic and motile. मतलब ये एक जगह से दूसरा जगह तक जा सकते हैं, ऐसा वाला structure जिसमें दो hair like structure होता है जो एक जगह से दूसरा जगह तक जा सकता है, that is called a zoospore. Number two is conidia. This is also reproductive structure in fungus. जो एक तरीके का fungus होता है जिसका नाम है penicillium, उसमें conidia देखा जा सकता है. ये क्या है? Fungus में कुछ hair like structure होता है जिसका नाम है hypha, और इसमें जो spores form होता है जिसका नाम है conidia. ये सब asexual reproduction का एक जरिया structure. Hydra में क्या होगा? Buds. Buds आप लोग जानते हैं कि external growth है जो कि एक नया hydra में convert होने के लिए capable होता है. And number four is gametes, which is called the sponge. In sponge में gametes होता है. Gametes क्या है? Actually bird जो hydra में देखा जाएगा वो external है, बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन gametes क्या है? Internal birds जो बाहर से देखा नहीं जा सकता, और ये cluster में present होता है. ठीक है, तो ये जो चार structures है, zoospores, conidia, birds, gametes, ये asexual reproduction का structures है in fungi and algae. नेक्स्ट, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको प्लांट्स में ज़्यादातर हम लोग क्या बोलेंगे? मेनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से होता है और बढ़ सकता है, एक पार्ट नया प्लांट उगा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसका नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. उसमें से देखिए रनर्स, राइजोम, साकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ये जो नाम लिखा हुआ है ये सब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है. इसका काम क्या है? एक नया प्लांट्स में ये लोग अपने आप को कन्वर्ट कर सकते, मतलब फ्रॉम दिस रनर और राइजोम और साकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट. जैसे कि रनर, एग्जाम्पल रनर का है स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी प्लांट में जो स्टेम एक जगह से दूसरे जगह तक फैल के जा सकता है, वहाँ से न्यू प्लांट उग सकता है, डैट इज़ कॉल्ड ए रनर. हॉराइजेंटली जाएगा मिट्टी के ऊपर से, तो एक प्लांट, एक पौधा एक जगह पर लगाया और दूसरे जगह पर जाके नया प्लांट उगेगा, तो स्टेम का कंटिन्यूस मूवमेंट देखा जाता है हॉराइजेंटली ओवर द सॉइल, सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर. नेक्स्ट इज राइजोम, इज अंडरग्राउंड स्टेम, जिसका एग्जाम्पल है जिंजर, अदरक. वहाँ पर जिंजर को अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो उसमें नोड्स दिखा जाएगा, रूट्स भी देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत बाड भी देखा जा सकता है. तो डैट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड ए राइजोम. थोड़ा सा हिस्सा काट के जिंजर का मिट्टी में लगा देने से वहाँ से नया पौधा आ सकता है. नेक्स्ट साकर. साकर भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है. एकदम रूट के तरफ अगर चले जाएंगे तो वहाँ से ऊपर की तरफ आता हुआ जो स्टेम का हिस्सा होगा, दैट इज़ कॉल्ड द साकर. बनाना प्लांट में साकर देखा जा सकता है, वहाँ से नया पौधा उग सकता है, ये भी स्टेम का हिस्सा है मॉडिफिकेशन. देन इज ट्यूबर, आलू का जो एग्जाम्पल है यहाँ हम दे सकते हैं ट्यूबर में, पोटैटो ट्यूबर, स्वीट पोटैटो का ट्यूबर, डालिया ट्यूबर, मतलब रूट्स जो है स्वलन हो जाता है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है. जहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो स्टेम इज स्वलन सो दैट दे कैन स्टोर फूड. सो ये यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्यूबर. वहाँ पर भी नोड्स देखा जा सकता है, और पोटैटो को तो कुछ दिनों तक रखने के बाद हम लोग वहाँ उसके ऊपर पेड़ उगते हुए देख सकते हैं, छोटा छोटा पौधा निकलता हुआ देख सकते हैं, दैट पोस्ट इज कॉल्ड द नोड्स. सो ये सब विजिबल है ट्यूबर में. एन एग्जाम्पल है पोटैटो, स्वीट पोटैटो. देन इज ऑफसेट. ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ. सो ये क्या है ऑफसेट? ऑफसेट का मतलब है कि वहाँ से एक पौधे से दूसरा एक क्लोन, मतलब सिमिलरली एक एकदम सिमिलर प्लांट ग्रो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑफसेट. ये स्टेम जो है पानी के ऊपर से बहता हुआ एक से जगह से दूसरा तक जाएगा, एंड वन प्लांट ऑफ वाटर हायसिंथ इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स क्लोन, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट. सो ऑफसेट का एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ. नेक्स्ट इज बल्ब. बल्ब का एग्जाम्पल अनियन, जो बल्ब की तरह दिखता है, फूला हुआ, स्वोलन है, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है जिसको हम लोग लगा देने से नया प्लांट उगेगा. सो ये जो नाम हम लोगों ने अभी देखा है, दिस आर ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. दूसरा एक प्रोसेस हाइड्रा में आ सकता है कि फ्रैगमेंटेशन, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज फ्रैगमेंटेशन. हाइड्रा का छोटा टुकड़ा काट के
अगर हम लोग रखेंगे तो एक छोटा टुकड़े से नया हाइड्रा आने का चांसेस होता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, इन विच फ्रैगमेंट्स और स्मॉल पीसेस ऑफ द हाइड्रा इज केपेबल टू गिव राइज टू ए न्यू हाइड्रा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. सो ये जो हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं बार बार, दिस आर ऑल विद अ सिंगल पार्टनर, जिसमें डबल पार्टनर होने का, मेल फीमेल पार्टनर्स रहने का कोई चांसेस नहीं है. एक सिंगल पार्टनर जो है ऑफस्प्रिंग जन्म देने के लिए केपेबल है बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज जो पॉइंट आएगा, वाटर हायसिंथ इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल. वाटर हायसिंथ को क्या बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल. क्योंकि जो है ना, इसमें टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाटर हायसिंथ, अभी मैंने क्या बोला, ऑफसेट का एग्जांपल है. इट कैन प्रोड्यूस इट्स क्लोन सो वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी. एक जगह अगर देखा जाएगा कि वाटर हायसिंथ है तो दूसरे जगह तक ये बहुत जल्दी से फैल जाता है. इसीलिए जो पानी के ऊपर वाटर हायसिंथ उगेगा, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह तक फैलेगा. और फैलने का ये जो प्रोसेस है, जितना ज़्यादा होगा कि नीचे में, पानी के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसके लिए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखा जाएगा. सो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो सब मर जाएंगे. इसीलिए हाइड्रा को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि साफ करना इतना आसान नहीं होता. और ये मतलब जो ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के वजह से मर जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाई वाटर हायसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. नेक्स्ट जो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि नोड्स हमेशा जो मॉडिफिकेशंस ऑफ जो स्टेम्स होता है उसमें नोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोड्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइज. सो अगर आलू को हम लोग देखेंगे तो आलू के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ से पौधे उग सकते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट द नोड्स. ठीक है, वैसे लीव्स में बायोफाइलम, अगर एक बायोफाइलम का पत्ता का मार्जिन्स मतलब बॉर्डर लाइन्स में अगर देखोगे तो वहाँ से आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखाई देगा, वहाँ से पौधे उग जाते हैं. ठीक है, तो ये ब्रायोफाइलम का लीव्स जो है इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स. सो द फार्मर्स जो उगाने वाले हैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ब्रायोफाइलम को, ताकि एक पत्ते से ही, क्योंकि बहुत सारे पौधे उग जाते हैं तो कॉस्ट बहुत कम होता है, तो ब्रायोफाइलम ऐसे उगा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीका है ब्रायोफाइलम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पार्टनर्स का कोई ज़रूरत नहीं होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट नर्स का ज़रूरत नहीं होता है, या कोई पार्ट रहने का भी ज़रूरत नहीं होता है प्लांट्स. सो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एल्गी एंड फंगी हैज़ द कैपेसिटी टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस व्हेन इन एडवर्स कंडीशन. जब एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब होता है तब एल्गी एंड फंगी अपने आप को बदल सकता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके में, क्योंकि एडवर्स कंडीशन जब होगा तब डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस होता है. इसलिए ये कन्वर्शन ज़रूरी होता है इन एल्गी एंड फंगी. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, मतलब कि है सिंगल पेरेंट है तो ये क्या करेगा, दे विल प्रोड्यूस ओनली क्लोन्स, सिमिलर वेराइटीज प्रोड्यूस करेगा. सो देर विल बी नो वेरिएशन. अब वेरिएशन नहीं होगा तो रेजिस्टेंट वाला वेराइटी आएगा कि नहीं, रेजिस्टेंट कर सकता है कि नहीं वेदर चेंजेस से, ये चांसेस बिल्कुल भी कम है. नो वेरिएशन, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस ओनली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग्स, एक जैसा दिखने वाला. सो इट इज़ असेक्सुअल. और सेक्सुअल में वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का पेरेंट्स होगा, मेल पेरेंट एंड द फीमेल पार्टनर, एंड सो दे विल गिव वेरिएशन. द ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस, जो आएगा ऑफ स्प्रिंग यंग वन, वो वेराइटी वाला होगा, मतलब डिफरेंट होगा फ्रॉम द पेरेंट्स. दे विल हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स, सो देर विल बी वेरिएशन. एंड ऑल्सो देर इज वन कॉज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस इन दिस प्रोसेस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विच आर रेजिस्टेंट टू द एडवर्स वेदर कंडीशन. जब एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होने से ये एनवायरमेंटल कंडीशन से इसको रेजिस्ट कर लेगा, डैमेज नहीं होगा इसको. जब भी नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगा तब ये जो है स्पोर्स ये लिबरेट कर जाएंगे और ये नया एल्गी एंड फंगी में अपने आप को डेवलप करके लेके जा सकता है ये स्पोर. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेनिफिशियल व्हेन देयर इज एडवर्स कंडीशन.
इन एल्गी एंड फंगी. एडवर्स कंडीशन कहाँ पर? एनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेनिफिशियल किसके लिए? एल्गी एंड फंगी के लिए. जब बाहरी हिस्से में जो कंडीशन है ये ठीक नहीं है, अनसुटेबल है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? एडवर्स कंडीशन. तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा इसका प्रोसेस, और स्पोर फॉर्मेशन होगा जो कि रेजिस्टेंट होगा. किससे रेजिस्टेंस? एडवर्स कंडीशन से रेजिस्टेंट करेगा. और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा दैट स्पोर्स कैन गिव राइज टू द न्यू एल्गी एंड